नमस्कार एक्सलेंसी, सबसे पहले कोविड 19 से स्वीडन में हुई जानहानि के लिए मेरी ओर से और पूरे भारत की ओर से हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। स्वीडन में परसों हुए हिंसक हमले के लिए भी मैं सभी भारतीय नागरिकों की ओर से स्वीडन के लोगों के साथ सॉलिडरिटी व्यक्त करना चाहता हूं। हमले में घायल लोग शीघ्र ही पूरी तरह रिकवर होंगे, यही हमारी कामना है। एक्सलेंसी, 2018 में स्वीडन ने पहली इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित की थी, उस समय मुझे स्टॉकहोम आने का अवसर मिला था। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। 2019 में हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी की भारत यात्रा हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर था। मेरी उनके साथ कई विषयों पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। मुझे बराबर याद है कि हिज मैजेस्टी और मैंने क्रॉप स्टबल को पावर प्लांट्स में उपयोग हेतु विक्रेट बनाने के बारे में कोलैबोरेशन को रिव्यू किया था। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका डेमोंस्ट्रेशन प्लांट अच्छा काम कर रहा है। अब हम इसको बायोमास से कोल बनाने के लिए बड़े स्तर पर स्केल अप कर सकते हैं। एक्सलेंसी, कोविड 19 के दौरान हमने रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर कोलैबोरेशन के महत्व को पहचाना है। विश्व को कोविड 19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। साथ ही हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक्सलेंसी, आज के माहौल में सभी लाइक माइंडेड देशों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और महत्वपूर्ण हो गया है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस जैसी शेयर्ड वैल्यूज हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। क्लाइमेट चेंज का महत्वपूर्ण मुद्दा हम दोनों देशों के लिए एक प्राथमिकता है और हम इस पर आपके साथ काम करना चाहेंगे। भारत की संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण और नेचर के साथ हार्मनी में जीने पर हमेशा महत्व दिया गया है। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। पिछले 5 सालों में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पावर क्षमता 162% बढ़ी है और हमने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का टारगेट रखा है। एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से हम
30 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में स्वीडन के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हम आपको कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर शीघ्र ज्वाइन करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। एक्सलेंसी, पोस्ट कोविड स्टेबिलाइजेशन और रिकवरी में भारत स्वीडन पार्टनरशिप एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स और रिसर्च के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और गहरा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट ग्रिड्स, ई मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का अच्छा पोटेंशियल है। मुझे भरोसा है कि आज की हमारी वर्चुअल समिट में हमारे सहयोग को मैं नए आयाम भी जुड़ेंगे। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार स्वीडन के नागरिकों के प्रति भारत की बहुत उत्तम मित्रता की हमारी यात्रा को याद करते हुए अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स आमंत्रित करना चाहूंगा। Hopeful as this crisis presents an opportunity also to build back stronger, greener, and more inclusive societies. I believe if there is one age-old lesson that this pandemic has reminded us of, it is the importance of working together in international solidarity to be able to tackle challenges such as this pandemic, but also the existential climate crisis and widening global inequalities. So, Excellency, we must strengthen multilateralism. The cooperation between Sweden and India is an excellent example of that kind of collaboration across borders that is now needed. And on a personal note, Prime Minister, I highly value the constructive dialogue and contact that we have had and have, and I'm sure will have, exchanging experience, addressing this pandemic, exploring ways to cooperate for the benefit of our countries and the world. Our respective governments and agencies have strengthened our already excellent bilateral cooperation during a difficult year, and that makes me proud. Their work has been based on Sweden-India Joint Action Plan, as well as the innovation partnership that we signed during your very important visit to Stockholm in 2018. I firmly believe that health, innovation, and green recovery will be pivotal in rebuilding our societies, and this should serve as the cornerstone of our partnership looking ahead now. And with this in mind, allow me to mention, Prime Minister, a few recent exciting results of our partnership. First, I am happy to announce, as you very well know, that yesterday the Swedish government adopted a decision to join India's International Solar Alliance. Second, I am pleased to highlight the developments within the Leadership Group for Industry Transition that we launched together during the Climate Action Summit in 2019,
Now, more and more countries and businesses have joined this group with the objective of reducing carbon emission from heavy industry. And the group has now around 30 members, and I see a great potential to expand it further and also to raise our ambitions. And this will also be relevant as we prepare for the COP26 and emphasize our commitment to the Paris Agreement. Third, I welcome today's launch of a new program to co-finance Indian-Swedish projects on smart and sustainable cities, transport systems, clean technologies, digital transformation, and Internet of Things. So, and the research and development collaboration on circular economy will also be launched later this year. Last but definitely not least, Prime Minister, I'm pleased to see that our cooperation on health issues has deepened significantly during the pandemic, and I welcome the creation of a health hub in Jodhpur. Prime Minister, I look forward to today's discussions spanning from our bilateral cooperation to multilateral and regional affairs. India and the European Union are definitely democratic superpowers, and as we join forces to build back more inclusive societies, it is more important than ever to reaffirm our shared values and mutual commitment to democracy, rule of law, gender equality, human rights, and fundamental rights. Thank you, Prime Minister.